कॉल ड्रॉप की समस्या आम होती जा रही है। कॉल ड्रॉप से लोगों को होने वाली परेशानी बढ़ती जा रही है। इस बीच अब ट्राई की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जून से सितंबर 2018 के बीच सर्विस बेंचमार्क क्वालिटी के पैमाने पर नाकाम रही। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की रिपोर्ट में मंगलवार को ये जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक कुछ सर्किलों में आइडिया और वोडाफोन के नेटवर्क में कॉल ड्रॉप की दिक्कत सबसे ज्यादा थी। आइडिया के नेटवर्क में कॉल ड्रॉप मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा था। वोडाफोन के नेटवर्क में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिक्कत थी। मोबाइल टावर के फॉल्ट की वजह से आइडिया के नेटवर्क में कॉल ड्रॉप हुए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी साइट क्वालिटी बेंचमार्क स्तर से नीचे थी। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में नेटवर्क की मौजूदगी के पैरामीटर पूरे नहीं करने की वजह से भी आइडिया के नेटवर्क में कॉल ड्रॉप की दिक्कतें सामने आई। आइडिया सर्विस बंद करने और ग्राहकों के पैसे लौटाने के मामले में भी नाकाम रही। सरकारी कंपनी BSNL पश्चिम बंगाल में कॉल ड्रॉप के नियमों का पालन नहीं कर पाई। मोबाइल टावर की दिक्कत की वजह से ऐसा हुआ था। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में रिलायंस जियो और BSNL के नेटवर्क में कॉल कनेक्ट करते वक्त दिक्कतें सामने आई। एयरटेल के नेटवर्क में बिहार, कर्नाटक और कोलकाता में समस्या थी। इन कंपनी के कॉल सेंटर से संपर्क करने में परेशानियां आ रही थी। टाटा टेली सर्विसेज अपने ज्यादातर सर्किलों में बेंचमार्क क्वालिटी के पैमाने पर नाकाम रही। टाटा टेली अपने कारोबार का एयरटेल में विलय करने की प्रक्रिया में है। अब देखना है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क में सुधार लाती हैं और क्या कॉल ड्रॉप की समस्या कुछ कम होती है।